हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय ब्लॉग। तो आई एम बैक विद माय न्यू ब्लॉग एंड ये जो ब्लॉग है वो एनिवर्सरी का ब्लॉग है कि आप सब लोगों को काफी लोगों को पता होगा, उन लोगों ने मुझे अपने बेस्ट विशेस दिए हैं। एंड कल हमारी एनिवर्सरी है, 22 नवंबर, आज 21 नवंबर है। ऑफकोर्स मैं थोड़ी सी ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ बिकॉज कल ही माई हमारी जिनके आपने इतने सारे वीडियोज थे वो घर चली गई हैं वापस। जो हमारा गांव है चोबेपुर, हमारा होम टाउन, वहां पे माई वापस चले गए हैं बिकॉज उनके कुछ प्रायर एंगेजमेंट्स थे। सो उनको लग रहा था कि नहीं अभी जाकर वो सारे काम मैंने मुझे करने चाहिए। काफी टाइम थी वो हमारे साथ एंड द बेस्ट पार्ट इट उन्होंने काफी इंजॉय किया हम लोगों के साथ। तो अभी वो चली गई हैं कल। एंड माई अगर आप ये देख रहे हो तो मैं और मीशो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। पूरा घर खाली खाली है, हमें ना कहीं से कोई आवाज आ रही है। प्लीज 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 आप जल्दी से फटाफट सबके काम निपटाओ और फटाफट जल्दी से वापस हम लोगों के पास आ जाओ। तो ये एनिवर्सरी ब्लॉग है तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। गुड़िया मौसी ने मुझे ब्यूटीफुल गिफ्ट भेजा है जिसका पैकेट मुझे आज सुबह ही आया। मैंने सोचा आप लोगों को क्यों ना दिखाए। तो ये है बेडशीट, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुली जयपुर की बेडशीट है, मतलब जयपुरी बेडशीट इसे कहते हैं। तो वो उन्होंने मुझे ये भिजवाई है एंड इसके साथ जो एक हार्ट वार्मिंग थिंग्स है जो मेरा जिसने मेरा हार्ट मेल्ट कर दिया, दैट इज दैट ग्रीटिंग कार्ड। मतलब लाइक यू नो आज के टाइम में कौन ग्रीटिंग कार्ड भेजता है मुझे तो नहीं पता। शायद मैं व्हेन आई वाज इन स्कूल तभी लोग हम लोग एक दूसरे को देते थे अपने फ्रेंड्स को वगैरह को। तो दिस इज सो अमेजिंग। मतलब यू नो मासी व्हाइल रीडिंग दिस मुझे और मीशू दोनों को गूज़बम्स आ चुके थे कि यू नो इतना सोचते हैं लोग हमारे लिए, वी आर सो ब्लेस्ड। तो इस पे क्या है मैं आप लोगों को भी एक बार पढ़कर सुनाना चाहूंगी। दिस इज लाइक डियर शिंकी एंड मिश्रा जी माय हस्बैंड, अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। 2 साल हो गए पता भी नहीं चला। यू गाइज आर अ पावर कपल, यू बोथ लुक सो अडोरेबल विथ ईच अदर। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो इस बार बता देना, वैसे शिंकी के ब्लॉग में तो हम देख ही लेंगे। नाउ फ्यू थिंग्स अबाउट आर मिश्रा जी, अबाउट माई हस्बैंड। भाई आप बड़े मस्त हो, यू हैव जेल्ड अप विद अस सो ब्यूटिफुली। लगता ही नहीं है कि वी नो यू फ्रॉम जस्ट 2.5 ईयर्स। यू आर सुपर ड्यूड, फन लविंग, हेल्पिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेशेंट। जो शिंकी की ब्लॉगिंग झेल पाए वो बहुत ही पेशेंट है। इशू मैं याद रखूंगी तुझे। जो शिंकी की ब्लॉगिंग झेल पाए वो बहुत ही पेशेंट है। नाउ शिंकी तेरे बारे में भी क्या बोले, माई ब्यूटिफुल सिस्टर जो अब काफी इंटेलिजेंट हो गई है। येस आई एम इंटेलिजेंट, लव यू बो, जल्दी से भोपाल आ जाओ। येस येस हम लोग जल्दी से प्लान करेंगे एंड आप लोग भी प्लीज सुनने आने का बोले। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल बेडशीट एंड ब्यूटिफुल नोट। मैं ट्राई करूंगी, मतलब इसको जब भी मतलब बिछाऊं तो आप लोगों को दिखाऊं एंड उसके बाद मैं आपको एक बहुत ब्यूटिफुल चीज दिखाती हूँ। एनिवर्सरी है तो कुछ स्पेशल तो बनता है। तो आपने अगर मेरा बर्थडे वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा मैंने अपने उस टाइम बाल ट्रीट करवाए थे। तो नाउ मैं बहुत प्यारी सी चीज आपको दिखाने वाली हूँ। ये ओरिजिन्स के हेयर पाउडर्स हैं। ये है हिबिस्कस, भृंगराज, रीठा, आंवला एंड शिकाकाई। तो मैंने बर्थडे पे अपने बाल ट्रीट करवाए तो ऑफकोर्स जब आप बालों में कुछ केराटिन या ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं तो बाल खराब हो ही जाते हैं। तो आज मैं एनिवर्सरी पे स्पेशल करूंगी, अपने बालों को नॉरिशिंग दूंगी। तो ये सारे पाउडर को मैं मिक्स करूंगी, 1 स्पून, तो इसी तरह से मैं अपने पूरे बालों में ये लगा लूंगी एंड होने के बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं इसको वॉश करके एंड उसके बाद आपको अपने हेयर दिखाऊंगी कि ये कैसे हुए हैं। तो मैं अपने हेयर वॉश करके आ गई हूँ एंड आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और यू नो टैंगल फ्री, फ्रीज, ये सब कुछ, मतलब आप देख सकते हैं, आपको खुद को दिख रहा होगा हेयर की क्वालिटी। बहुत ज्यादा मुझे मजा आ रहा है मेरे बालों को देखते हुए। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। तो ये है वो सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज़ किए थे, भृंगराज, आंवला, रीठा, शिकाका एंड हिबिस्कस। ये सारे प्रोडक्ट्स आपके बालों को सिल्की बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं, डैमेज फ्री बनाते हैं एंड साथ ही ग्रे हेयर से भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो इन सब का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाकर वहाँ से खरीद सकते हैं और अपने बालों को एक अच्छी हेल्थ दे सकते हैं। एंड लवी ने स्पेशल OTG गिफ्ट किया हम लोग को एनिवर्सरी पे, दिस इज सो अमेजिंग।
वी जस्ट लव दिस गिफ्ट और अब हम लोग इसमें केक बनाएंगे जल्दी। इवनिंग में सोमू भैया और भाभी ने हम लोगों के लिए स्वीट्स ऑर्डर किया। ये है काजू पिस्ता टोस्ट जो बहुत ही टैम्पटिंग दिख रहा है एंड मैंगो मलाई रोल क्योंकि आज उनकी एंगेजमेंट एनिवर्सरी भी है एंड हम लोग की तो कल एनिवर्सरी है जिसका सेलिब्रेशन मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आज हो गया है 22 नवंबर मतलब 12 बज चुके हैं एंड हमारा एनिवर्सरी स्टार्ट हो गया है। तो ये यम्मीएस्ट केक मुझे सुबह हुए और भाभी ने भिजवाया और स्वीट्स तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ बहुत यम्मी है। तो चलो अभी हमारे पास कोई है नहीं ब्लॉग उनको मिशू ने मुझे कैसे एनिवर्सरी विश किया था मिशू बताया एक बार मैंने बोला थैंक यू चलो आ जाओ हैप्पी एनिवर्सरी टू यू यार मां चली गई कितना प्यारा लिखा है मिस्टर एंड मिसेस मिश्रा जो मुझे बिल्कुल भी दिख गया मिरर सेट नहीं है तो वो दिख रहा होगा बहुत अमेजिंग केक है मस्त। तो अब कल क्या होने वाला है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो हम लोग रेडी हैं जाने के लिए एंड एक ब्यूटीफुल सा सरप्राइज मुझे आया है। चीनू भैया ने स्पेशली हम लोगों के लिए केक भेजा है। ही इज इन इंग्लैंड और वहां से ये केक भेजा है मतलब ऑफ कोर्स आया था इंडिया से ही है बट यू नो इसके पीछे के जो इमोशंस एंड फीलिंग्स है लिटरली मुझे गूज़बम्स आ चुके हैं सुनकर एंड आई एम सो हैप्पी। थैंक्स अ लॉट चीनू भैया। हम लोग ये केक कट करेंगे मतलब हमारी एनिवर्सरी को स्पेशल बनाने के लिए मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स। थैंक यू सो मच। चलो हम कट करते हैं इसको। बहुत टेस्टी है। और चीनू भैया मैं आपसे एक और गिफ्ट मांगूंगी आज के दिन और वो ये है कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप इंडिया में आओगे श्योरली आप हम लोग मिलेंगे या तो कुछ प्लान करेंगे कहीं जाने का या तो आपको पुणे आना होगा हमसे मिलने फॉर श्योर। ये आपको एक गिफ्ट मैंने आपसे मांग लिया है अब आपको देना ही पड़ेगा। थैंक यू चीनू भैया। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। मैं वहां जाके आपको दिखाती हूँ। हमारा सामान भी पैक हो गया है एंड बस अब जा रहे हैं नीचे। कार में जाकर मैं आपसे वापस कनेक्ट करती हूँ। और हम लोगों ने सुबह कुछ ब्रेकफास्ट किया नहीं था सोचा था रास्ते से कुछ खा लेंगे और कुछ भी ऑयली खाने का मन हुआ नहीं तो हम लोगों ने यहाँ से मस्त बर्गर किंग से बर्गर ले लिया है। अब हम लोग खाएंगे एंड तुरंत पहुंचेंगे फिर आपको दिखाएंगे। ये हम लोग खंडाला की वादियों में आ चुके हैं। करजत में आए हैं जो मुंबई के पास है एंड जो जहाँ हम जा रहे हैं वो है ये द फॉरेस्ट क्लब रिसोर्ट। सो दिस इज मतलब लाइक इंडियन मालदीव हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ के जो क्या है वो मैं आपको अंदर जाकर दिखाती हूँ। व्हाट इज द स्पेशलिटी व्हाई इट इज इंडियन मालदीव। थैंक यू। तो ये है हमारा रूम। वाह बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने डेकोरेट किया है एंड दे गेट टू नो कि हम लोग क्या एनिवर्सरी है। बेस्ट पार्ट इज सी हैप्पी एनिवर्सरी।
नहीं बेस्ट पार्ट इंडियन मालदीव्स जो मैंने आपको बताया था अक्षय ओके इधर आइए अक्षय को दिखा दीजिए ये है अक्षय तो ये हम लोग को यहाँ पे लेकर चेक इन में इन्होंने काफी हेल्प किए एंड प्रोबेबली हम लोग के स्टे में ये हमें फिर से मिलेंगे थैंक यू मैडम या तो टैंक टैंक तो हम फटाफट क्विकली रेडी होंगे एंड जंप करेंगे बट काफी गर्मी लग रही है हमें लेट्स सी उन्हें थोड़ा सा फोटो सेशन कर लिया जिसके प्रोबेबली आप लोग अगर मेरे इंस्टा और व्हाट्सएप पे तो पिक्चर्स देख लिए होंगे एंड हमने यम्मी सा व्हाइट सॉस पास्ता ऑर्डर किया है देखिए दिखने में इतना सही दिख रहा है एंड साथ में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं जूसेस ऑर्डर किए हैं तो अभी हम लोग पियेंगे एंड बाद में मिलते हैं सो इट्स इवनिंग टाइम एंड वी आर रेडी टू गो इन द पूल यहाँ का जो बेस्ट पार्ट है वह यही है कि यहाँ पे जो रूम्स हैं वो सारे साथ पूल से कनेक्टेड हैं आप लोग देख सकते हैं सो आई कैन कॉल इट इंडियन मालदीव्स कि रूम जो हैं वो पूल्स के साथ कनेक्टेड हैं तो अभी हम लोग पूल में जाएंगे एंड मैं वो आपको दिखाने वाली हूँ एंड आई एम इन द पूल यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ तक पूल है एंड सारे रूम्स कनेक्टेड हैं तो हम एक दूसरे के रूम में भी जा सकते हैं एंड मीशो यहाँ बैठ के इन्जॉय कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया है वो आएगा उसके बाद वो आएंगे क्या कहना चाहेंगे आप आपकी शादी को 2 साल हो गए कुछ नहीं करना है अभी आराम से दुखी है ऐसा लग रहा है मीशो के उससे दुखी है क्या आप क्यों और थोड़ा पूल के बाद हम लोगों ने फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किया है अब हम गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज खाएंगे मीशो तो अभी तक पूल में नहीं आया है सी कह रहे हैं कि बहुत छोटा है आई विल नॉट कम इट तो अभी रेस्टोरेंट के पास जो पूल है हम लोग वहाँ जाएंगे प्रोबेबली तब मीशो जाए हमारे साथ तो मैं अभी दूसरी साइड आ गई हूँ तो यहाँ से आपको और क्लियरली दिखेगा कि वॉट एग्जैक्टली इज इट एंड सामने मीशो बैठे हैं मीशो अपना फ्रेंच फ्राइज इंजॉय कर रहे हैं और मैं चलती हूँ आ गई इसकी हाइट काफ़ी कम है एंड यहाँ किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन होने का प्रिपरेशन हो रहा है और हम लोग अभी इन्फिनिटी पूल में आ गए बिकॉज मीशो को मज़ा नहीं आ रहा था बहुत कम पानी था तो वी केम हेयर मीशो मुझे बताओ कितना है ताकि मैं आ पाऊँ पक्का जाऊंगी तो अब हम लोग इस पूल में जाएंगे ये देखिए साइड में ट्रेन जा रही है आप लोग को दिख रहा होगा उधर की तरफ कर्जत रेलवे स्टेशन इज दिस एंड मीशो इज देयर एंड दिस इज इन्फिनिटी पूल वी आर एंजॉयिंग इन इन्फिनिटी अब जाकर मीशो को मजा आया है बिकॉज मीशो सबसे कह रहे थे बच्चों वाले पूल में घुमा रही हो अभी देखो एंजॉयमेंट एट इट्स बेस्ट मस्त मीशो घूम रहे हैं एंड यहाँ पे इन्फिनिटी पूल है तो पीछे ट्रेन जाती है कभी आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी और अभी हम लोग पूल में मजे कर रहे हैं और अब हम लोग इन्फिनिटी पूल में मस्त मजे करके आए हैं एंड यहाँ पे देखिए हमारे जो ये हमारा रूम है और इसी के सामने किसी के बर्थडे का सेटअप लगा है दैट इज वेरी ब्यूटीफुल कि मैं कैप्चर करने से रोक नहीं पाई अपने आप को एंड एक और चीज़ हम लोग ना इन्फिनिटी पूल से निकल के मतलब आई मीन इस पूल से निकल के अपने इन्फिनिटी पूल में चले गए थे मेन गेट से नहीं गए थे तो हम लोग को वापस पूल में से निकल कर ही अपने रूम में जाना पड़ेगा तो देखिए मीशो अपने रास्ते में जा चुके हैं अभी मैं भी बस जाती हूँ तो गाइस अभी हम लोग रेडी हो गए हैं डिनर के लिए बहुत थक गए थे पूल में नहा के एंड अभी हम रेडी हो गए हैं उधर मीशो भी रेडी हो गए हैं मीशो अभी हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं तो चलिए आपको दिखाते हैं डिनर के लिए आ जाओ पता नहीं चाबी भी नहीं है हमारे पास तो बाहर का नजारा है और उधर रेस्टोरेंट है वहाँ हमको जाना है तो ये है रेस्टोरेंट एंड दैट्स आवर सेटअप इजंट इट अमेजिंग भैया
कैंडल लाइट डिनर में कैंडल ही मिसिंग है है क्या? ओके सो दिस इज सेटअप इतना प्यारा जो हमारा नैपकिन होता है उसका रूस बनाया हुआ है हम लोगों को काफ़ी पसंद आया एंड ये कैंडल्स जो हैं आर्टिफिशियल ये भी मीशो काफ़ी पसंद आई कि वो सोच रहे हैं कि अब हम लोग ये घर के लिए लेंगे खाना आ गया अपना एंड हम लोगों का खाना आ गया देखिए क्या चाहिए इधर भी रख दो जहाँ आपको लगे कम्फर्टेबल ये देखिए हमारा खाना नीचे मैं सिर्फ एक हल्का सा दिखा रही हूँ तो ये है अमचूरी भिंडी ये है बूंदी रायता ये है पनीर जलफ्रेजी सब्ज़ कुलचन दाल मखनी चिली रोटी बटर गार्लिक तो अब हम लोग खाना एंजॉय करेंगे एंड आपके बाद आपसे बाद में मिलते हैं तो हम लोग खाना खा के रूम में आ गए बिकॉज बहुत ज्यादा खाना खा लिया था आप लोगों ने देखा एंड हम लोगों ने क्या किया डेजर्ट घर पे मतलब रूम पर ही ऑर्डर कर दिया तो ये डेजर्ट आई है देखिए रसमलाई गुलाब जामुन आइसक्रीम एंड देन यम्मीस रेड वेलवेट केक उन लोगों ने ऑर्डर मतलब उन लोगों ने हम लोग को भिजवाया है तो अभी केक तो हम नहीं खाएंगे बिकॉज कल से खा खा के बहुत थक गए डेजर्ट्स हम लोग खाएंगे तो अभी मैं खा रही हूँ डेजर्ट गुलाब जामुन लिया है आइसक्रीम और खा के बताओ गुलाब जामुन लेंगे एंड वेरी लिटिल आइसक्रीम और पहले खिलाएंगे मीशो को नहीं तुम खाओ मैं नहीं खाऊंगा आइसक्रीम है सिर्फ गुलाब जामुन है सी कैसा है बताओ बहुत बढ़िया मैं भी थोड़ा सा खा कर बताती हूँ गुलाब जामुन लिया है आइसक्रीम आप लोगों के लिए तो अब हम खाते हैं आइसक्रीम डेजर्ट एंड इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं अगर कुछ होगा तो मैं कल घर जाते हुए आपको बताऊंगी एंड फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में नहीं तो कल मिलेंगे बाय गुड मॉर्निंग गाइज तो नेक्स्ट डे हो गया है कल हमारी एनिवर्सरी थी और हम रेडी हो गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए मीशो जी भी रेडी हो गए मीशो जी गुड मॉर्निंग चलिए अब हम जाते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ यहाँ पे किसी का डिनर हुआ था रात में पता नहीं हम लोग तो सो चुके थे यहाँ पे आज किसी की शादी है Here we are. Breakfast. Pineapple juice. Fruits. Egg. Salad. Cereals. Bread. Jam. Butter. Toaster. This is sambar. मैसूर गोंडा दिस इज पनीर पराठा कर्ड पोहा एंड व्हाट इज दिस साइड भटूरे ओके शोले दिस वन इज भटूरे सेवैया खीर एंड दिस इज द मैगी एंड हियर इज द टी एंड कॉफी सो क्या बुक करेंगे हमारा ब्रेकफास्ट स्टार्ट यहाँ पे किसी की शादी हो रही थी तो साथ में ढोल आए मैं बहुत बाहर आकर देखने लगी मैंने सोचा आपको भी दिखा दिया जाए तो वो शायद भगवान की मूर्ति लेकर आ रहे हैं तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ
टुडे वी आर बैक फ्रॉम द ट्रिप एंड एज यूजुअल दीदी ने हम लोगों के लिए, आरा वाली दीदी ने हम लोगों के लिए मस्त स्वीट्स और स्नैक्स ऑर्डर किया है. खमन ढोकला और ये कोई है मलाई सैंडविच. दिस इज मलाई सैंडविच. दिस इज केसर कन्नी, केसर कन्नी मलाई सैंडविच एंड ढोकला. तो अभी हम लोग ये खाएंगे. तो हमारे एनिवर्सरी की स्टार्टिंग हुई थी मम्मी पापा ने जो स्वीट्स भेजी थी एंड होपफुली ये एंडिंग हो रहा है दीदी की स्वीट से. तो मैं अब इस ब्लॉग को एंड करती हूँ. तो ये था मेरा एनिवर्सरी ब्लॉग. आई होप आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा. तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू बाय दिस अमेजिंग प्रोडक्ट्स. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स.